भारत ने इस साल यानी कि अप्रैल महीने में अपनी एफडीआई नीति में व्यापक बदलाव किया है। चीन के कई विदेशी कंपनियों के अनुचित टेकओवर को देखते हुए भारत ने यह सुनिश्चित किया है कि जमीनी तौर पर जिस किसी की भी सीमा भारत से जुड़ी है उसे भारत में निवेश करने से पूर्व भारत सरकार की अनुमति लेनी होगी, क्योंकि हाल ही में चीन ने अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए भारत की कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने की हिमाकत की थी। अब चीन की इसी चालबाजी को देखते हुए भारत ने अपनी एफडीआई नीति में एक व्यापक बदलाव किया है। इस तरह से भारत न सिर्फ ड्रैगन के दमनकारी नीतियों को नियंत्रित कर सकेगा अपितु विश्व के सामने भारत की एक बेहतर छवि भी प्रस्तुत कर सकेगा। और इसमें खास बात तो यह है कि एफडीआई के नए नियम कानून केवल चीनी कंपनियां पीपल्स बैंक ऑफ चाइना तक सीमित नहीं है अपितु संपूर्ण चीन और उससे जुड़े ऐसे भी दावेदार को जिसके निवेश के कारण चीन को लाभ मिलता हो उन पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। ऐसे में भारत के ये नए एफडीआई के नियम न केवल भारतीय कंपनियों को चीन की बुरी चाल से बचाएगा बल्कि चीनी कंपनी जैसे अलीबाबा और हुआवे से भी बचाने में बड़ा रोल प्ले करेगा और भारत की इस पहल का असर अब दिखने भी लगा है। दरअसल हालिया नई रिपोर्ट के अनुसार सरकार को अप्रैल से अब तक चीन से लगभग 12,000 करोड़ रुपए के 120 से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। सूत्रों ने कहा है कि हमें चीन से 120 से 130 एफडीआई प्रस्ताव मिले हैं जो लगभग 12 से 13 हजार करोड़ रुपए के हैं। सूत्रों ने आगे कहा है कि कुछ चीनी कंपनियों ने सरकारी ठेकों में बोली लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया है और उन प्रस्तावों को गृह मंत्रालय के पास भेज दिया गया है। इससे अब आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि भारत का खेला हुआ दाव बिल्कुल सही निशाने में जा लगा है। चीन अब कोई भी चाल चलेगा भारत उसको उसी की चाल में लपेट देगा, क्योंकि मोदी सरकार ने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं और अब भारत ऐसी स्थिति में आ चुका है कि चीन के हर उस दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देगा जो चीन बरसों से करता आ रहा है।